स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम में क्लास 11th, जिसमें पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आपका चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण, जो पादप कार्यकी की फोर्थ यूनिट आपकी है क्लास 11th की, उसका एक चैप्टर है। तो यहाँ पर आज हम प्रारंभ करेंगे प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण आपकी वो अभिक्रिया है जो हरे पौधों में या हरित कोशिकाओं में पाई जाती है या पादप जगत का मुख्य लक्षण होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण जब आप पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाई जाती है, और यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके कारण पौधे स्वपोषी अथवा आप कहते हैं पोषण में ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, और फिर उसके पश्चात अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो अनेक वैज्ञानिकों के कार्य दिए हैं, वो आप अपने लेवल पे प्रिपेयर करिएगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा नीट के पर्पज से रिविजन स्टूडेंट्स का कहना है। तो नीट के पर्पज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो कम समय में अपने को ये कंप्लीट करना है। तो उसके हिस्से हम यहाँ पे मेनली आज पढ़ेंगे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की संरचना मुख्य रूप से, और फिर उस क्लोरोप्लास्ट की संरचना का प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार महत्व है। क्योंकि जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से दो अभिक्रिया पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी अंधकार अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो आज हम मेनली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, और प्रकाशीय अभिक्रिया को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस आप कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से याद रखिए आपको हरे पौधों में मिलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, इस प्रक्रिया के कारण पौधे स्वपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा, एक आप यहाँ पे जो लक्षण इसका पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण आप याद रखिए उपापचयी प्रकार की क्रियाएं पढ़ते हैं आप, तो ये एक प्रकार की उपचय अथवा एनाबॉलिक प्रक्रिया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखिए यह आपकी एनाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक का मीनिंग है संश्लेषण करने वाली अथवा संश्लेषणात्मक प्रक्रिया होती है। अब जब आप प्रकाश संश्लेषण की पौधों में साइट देखते हैं या इसका स्थान देखेंगे, तो स्थान मुख्य रूप से आप याद रखें जो हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां एवं हरे तने मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का स्थान होते हैं। और इन हरी पत्तियों में आप याद रखिएगा, इन हरी पत्तियों में पैलीसेड अथवा आप उसको कहते हैं खम्ब पेरेन्काइमा, तो पैलीसेड पेरेन्काइमा अथवा खम्ब पेरेन्काइमा की कोशिकाएं इसका मुख्य रूप से स्थान होती है। और ये पैलीसेड अथवा खम्ब पेरेन्काइमा मुख्यतः आप पत्तियों में मीजोफिल अथवा मृदुतक इसको कह रहे हैं, मीजोफिल ऊतक में होती है। तो ये भाग आप मुख्य रूप से याद रखिए, क्यों खम्ब पेरेन्काइमा या पैलीसेड की कोशिकाएं, क्योंकि इन कोशिकाओं का एक अपना निश्चित आकार होता है, खम्ब के समान अथवा पिलर के समान होती है, आयताकार कोशिकाएं हैं। दूसरा, इनमें एक केंद्रक एवं अनेक क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक उपस्थित होते हैं। जब आप यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं तो मीनिंग आप सभी को क्लियर है कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अथवा प्रेजेंस में आप कहते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर का उपयोग कर कार्बनिक भोज्य ग्लूकोज
का निर्माण करते हैं। लोअर क्लासेस तक आप पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके पौधे अपना भोज्य बनाते हैं, पर भोज्य किस रूप में बना रहे हैं याद रखिए, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। सामान्य रूप से अगर आप प्रक्रिया पढ़ते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ आपकी क्लोरोफिल अथवा हरित लवक की उपस्थिति अति आवश्यक है, और क्लोरोफिल के अलावा सूर्य का प्रकाश या सनलाइट आप पढ़ते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज के निर्माण के साथ साथ आप याद रखें पे 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 अणु ऑक्सीजन के विमुक्त होते हैं। तो बाई प्रोडक्ट आप याद रखें, यहाँ पे एक मुख्य है कि प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद ऑक्सीजन होता है, और मुख्य उत्पाद आप याद रखिए क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यहाँ पर पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है, जबकि जो वॉटर है, वॉटर आप याद रखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन अथवा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जाता है, और ऑक्सीकरण के द्वारा वॉटर अथवा जल ऑक्सीजन के अणुओं को विमुक्त करता है। तो यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है या रिलीज होती है, उस ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत आप याद रखिएगा वॉटर होता है। इसके ऊपर वॉन नील ने और रूबेन एंड कैमिन नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हुए हैं, और उस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि वॉटर जो है या जल जो है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है। तो ये पार्ट आप जनरली याद रखिएगा, और चूंकि एक साथ यहाँ पे अपचयन एंड ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं चलती है, इसीलिए सामान्यतः इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब जब आप यहाँ प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से याद रखिए एक कोशिकांग उत्तरदायी है पौधों में। तो मुख्य कोशिकांग जब प्रकाश संश्लेषण के लिए आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। लगभग सभी बच्चों को क्लोरोप्लास्ट की संरचना सामान्य रूप से क्लियर होगी, पर फिर यहाँ पर आप एक बार रिवाइज करिएगा उसको। जो हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट में दोहरी भित्ति सी गिरी हुई संरचनाएं होती है, तो इनमें स्वयं की अपनी एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो क्लोरोप्लास्ट याद रखिए दोहरी भित्ति नहीं, दोहरी झिल्ली से युक्त संरचना होती है, बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली आप याद रखिए पारगम्य बाह्य झिल्ली, क्योंकि बाह्य झिल्ली में पोरीन प्रोटीन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, और पोरीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण बाह्य झिल्ली पारगम्य है, जबकि आंतरिक झिल्ली आप याद रखिएगा विभेदित पारगम्य होती है, विभेदित पारगम्य आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। तो ये भाग आप याद रखिएगा, यहाँ पे विभेदित झिल्ली पारगम्य है, विभेदित पारगम्य आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ मुख्य संरचना हरित लवक की होती है। हरित लवक आप याद रखिए मुख्यतः दो भागों से निर्मित है, झिल्लियां उनमें उपस्थित है सुरक्षात्मक आवरण के रूप में। इसके अलावा आप याद रखिए हरित लवक में एक आप पढ़ते हैं ग्रेना और दूसरा भाग आप पढ़ते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पर ये पार्ट याद रखिए, ग्रेना एंड स्ट्रोमा दो मुख्य भाग है। ग्रेना जब आप पढ़ते हैं तो ग्रेना आप याद रखिए दोहरी झिल्ली युक्त अंडाकार बैग के समान संरचनाएं, एक के ऊपर एक पिलर के रूप में या कॉइंस के रूप में अरेंज होती है, और जिसके फलस्वरूप एक अनेक पिलर के समान संरचनाएं निर्मित होती है। ये जो प्रत्येक एक पिलर है इसको आप कहते हैं ग्रेनम, और नियरली ऐसे आप याद रखिए, यहाँ पे आपको केवल 3 ग्रेनम दिखाई दे रहे हैं, पर प्रत्येक
क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं और सभी के सभी ग्रेनम संयुक्त होकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। आपस में ये ग्रेनम भी याद रखिए, झिल्ली नुमा तंतुवत संरचना जिसे आप स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए, ये जो एक पिलर के समान संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं ग्रेनम। और आपस में जो ग्रेनम होते हैं वो पुनः एक अन्य झिल्ली नुमा संरचना से जुड़े हैं जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा लेमिली। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि इसमें तरल द्रव्य या कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसको आप स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा का मुख्य लक्षण आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा उपस्थित है उस स्ट्रोमा में इसका अपना स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है और ये डीएनए आप याद रखिएगा कैसे होगा, गोलाकार या वृत्ताकार डीएनए उपस्थित है। डीएनए के साथ साथ यहाँ पे भोज्य पदार्थ स्टार्च के अणुओं के रूप में संरक्षित होता है। राइबोसोम आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। तो 70S राइबोसोम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। प्लस यहाँ पर आप याद रखिए आरएनए तथा कुछ मात्रा में ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी अपियर होते हैं। तो ये पार्ट याद रखिएगा। और ये जितना भी समस्त कोशिका द्रव्य के समान भाग दिख रहा है इस भाग को हम सामान्य रूप से कहते हैं स्ट्रोमा। तो जब आप क्लोरोप्लास्ट स्टडी कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट मतलब आप, क्योंकि अगर आपको क्लोरोप्लास्ट की संरचना बहुत अच्छे से क्लियर है तो पार्ट आप याद रखिए कि जो प्रकाश और अंधकार अभिक्रियाएं हो रही है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेना और स्ट्रोमा में अंतर क्लियर नहीं है तो आपको लाइट और डार्क रिएक्शन या प्रकाशीय और अंधकार अभिक्रियाओं को समझने में थोड़ा अंतर या डिफिकल्टी आ सकती है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा याद रखिए। अब जब आप ग्रेना पढ़ते हैं तो ग्रेना में मुख्य रूप से याद रखिएगा, एक ग्रेनम की संरचना अगर आप देखते हैं तो ग्रेनम की संरचना में याद रखिएगा कि ग्रेनम एक आपकी इस तरह की झिल्ली नुमा संरचना है और ग्रेनम की इस झिल्ली नुमा संरचना में मुख्य रूप से आप याद रखिए यह एक ग्रेनम झिल्ली है अथवा इसी को ग्रेनम की जो झिल्ली है इस झिल्ली को हम कहते हैं थाइलेकोइड झिल्ली। ये जो आपकी थाइलेकोइड झिल्ली होती है, इस थाइलेकोइड झिल्ली की दो सतह होती है। इसमें आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं थाइलेकोइड झिल्ली की बाह्य सतह एवं थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह। ऐसी अनेक ग्रेनम एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं और एक पिलर के समान संरचना का निर्माण करते हैं। बाह्य और आंतरिक सतह जब आप पढ़ रहे हैं तो इन सतहों पे याद रखिएगा क्लोरोफिल के अणु मुख्य रूप से कुछ बंडल्स में या पॉकेट्स में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल के अणुओं के यहाँ पर आप याद रखिए बाह्य सतह पर छोटे छोटे पॉकेट्स मिलते हैं और ये जो बंडल्स या पॉकेट्स हैं इनको प्रारंभ में क्वांटासोम कहा जाता था, परंतु वर्तमान में अब हम इनको, प्रारंभ में आप कहते थे क्वांटासोम अथवा वर्तमान में आप इनको कह रहे हैं प्रकाश वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम। आप शब्द याद रखिए, तो फोटो सिस्टम आप कह रहे हैं या प्रकाश वर्णक तंत्र कहते हैं। प्रकाश वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम दो प्रकार के हैं और प्रत्येक क्वांटासोम में याद रखिए क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल्स या अणु मुख्य रूप से। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं बहुत बार कि क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या, तो 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के आप याद रखिए। दूसरा जो फोटोसिस्टम या प्रकाश वर्णक तंत्र है दो प्रकार के आप पढ़ते हैं, एक PS1 और PS2। फोटोसिस्टम 1 और 2 आप याद रखिए लोकेशन अथवा व्यवस्था में भिन्न होते हैं। बाह्य सतह पर जितने भी आपके समूह हैं क्लोरोफिल अणुओं के वो मुख्य रूप से PS1 तो प्रकाश अभिक्रिया तंत्र 1 या PS1 याद रखिए बाह्य सतह पर होते हैं और PS2 जब आप स्टडी कर रहे हैं
तो PS2 को आपको याद रखना है कि PS2 ग्रेनम अथवा थाइलेकोइड झिल्ली की हमेशा आंतरिक सतह पे होते हैं। ग्रेनम अंदर से खोखली संरचना है, अतः यहाँ पर आपको गुहा अथवा ल्यूमेन, आप कह रहे हैं बुक्स में ल्यूमेन भी मिलेगा आपको, तो गुहा अथवा ल्यूमेन खाली अवकाश आपको मिलता है यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए क्लोरोप्लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में या क्लोरोप्लास्ट के किस संरचना में हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता अत्यधिक होती है या प्रोटॉन की सांद्रता अधिक होती है। तो ये जो गुहा अथवा ल्यूमेन आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर याद रखिए हमेशा प्रोटॉन्स की सांद्रता या प्रवणता अत्यधिक पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे जब आप प्रकाश अभिक्रिया तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो ये पार्ट आप यहाँ पर ये याद रखिए, ये एक झिल्ली नुमा संरचना है थाइलेकोइड झिल्ली की, दो सतहें होती है, और ये पार्ट बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि अगर ये भाग आपको PS1 और PS2 की अरेंजमेंट प्रॉपरली ध्यान से अगर आपको क्लियर है तो उस अवस्था में आप जो लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया का जेड स्कीम आप पढ़ते हैं वो जेड स्कीम आपको क्लियरली समझ में आती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जेड स्कीम या प्रकाश अभिक्रिया तंत्र दो पढ़ते हैं आप, तो जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा आंतरिक सतह से बाह्य सतह अथवा PS2 से PS1 की तरफ पाया जाता है, जेड के आकार के रूप में होता है, इसलिए उसको आप कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया की जेड स्कीम। तो ये पार्ट आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, जब आप ग्रेना और स्ट्रोमा पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में याद रखिए जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की ये अभिक्रिया मुख्यतः दो भागों में संपन्न होती है या दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला चरण इसका कहलाता है प्रकाशीय अभिक्रिया अथवा लाइट रिएक्शन आप कह रहे हैं, और दूसरा भाग आप पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया अथवा आप उसको डार्क रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं। तो ये पार्ट याद रखिए। प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अंधकार अभिक्रिया का अर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण की वह अभिक्रिया जो एंजाइम्स के ऊपर आधारित है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का इन प्रक्रियाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अंधकार अभिक्रिया। अगर आप प्रकाशीय अभिक्रिया को सामान्य रूप से देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया कहते हैं या हिल रिएक्शन कहते हैं, जबकि अंधकार की अभिक्रिया का सिद्धांत ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अतः इसे आप सामान्य रूप से ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जब आप प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो प्रकाशीय अभिक्रिया का स्थान देखिएगा। प्रकाशीय अभिक्रियाओं के लिए क्लोरोप्लास्ट अति आवश्यक होते हैं। हरित लवक क्लोरोफिले क्लोरोप्लास्ट ने हरित वर्णक या फिर आप क्लोरोफिल कह रहे हैं, क्लोरोफिल अत्यधिक आवश्यक होते हैं, और क्लोरोफिल कहाँ पर उपस्थित है, ग्रेना में अथवा थाइलेकोइड झिल्ली में। अतः प्रकाशीय अभिक्रिया आप याद रखिए ग्रेना में संपन्न होती है, और अंधकार अभिक्रिया के लिए अनेक प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और समस्त एंजाइम आपके कहाँ पे मिलेंगे, स्ट्रोमा में। सो अंधकार की अभिक्रिया आप याद रखिए मुख्य रूप से स्ट्रोमा में संपन्न होती है। दूसरा, जब आप प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आप पढ़ते हैं तब आप दो रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर। तो यहाँ पर याद रखिए जो वॉटर है जल का ऑक्सीकरण, या यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि जल का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में मुख्य रूप से याद रखिए किसका उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग होता है, और जल के उपयोग के द्वारा ऑक्सीजन विमुक्त होती है और हाइड्रोजन आयन्स या जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन्स आके कहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, गुहा अथवा ल्यूमेन में जमा होते हैं। जबकि अंधकार अभिक्रिया में आप याद रखिएगा उपयोग किसका होता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग
अर्थात अंधकार अभिक्रिया को आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की अभिक्रिया को हम सामान्य रूप से कहते हैं अंधकार अभिक्रिया। और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए एंजाइम्स अति आवश्यक होते हैं, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम सामान्य रूप से अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे प्रकाशीय अभिक्रिया में अगर आप ऊर्जा देखते हैं तो प्रकाशीय अभिक्रिया में मुख्य रूप से आप याद रखिए निर्माण एटीपी और एनएडीपीएच प्लस एच प्लस का होता है, जबकि अंधकार अभिक्रिया में आप याद रखिएगा एटीपी और एनएडीपीएच एच प्लस जो प्रकाशीय अभिक्रिया में उत्पन्न हुए हैं इनका उपयोग करके अंधकार अभिक्रिया में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज का निर्माण पाया जाता है। तो ये मुख्य अंतर पहले याद रखिए कि किस कारण से प्रकाशीय अभिक्रिया अंधकार अभिक्रिया से पूर्ण रूप से भिन्न होती है। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से आज पढ़ेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया को अगर आपको समझना है तो प्रकाशीय अभिक्रिया में आप पढ़ रहे हैं प्रकाश वर्णक तंत्र क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र और उनका महत्व प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है, उसके पश्चात फिर आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है। आपने अभी स्टडी किया था कि प्रकाशीय और अंधकार अभिक्रियाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अब जब हम यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया, तो वास्तविक रूप में आज के सेशन में हम प्रकाशीय अभिक्रिया के इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं, क्योंकि प्रकाशीय अभिक्रिया अपने आप में एक संयुक्त अभिक्रिया है और कई चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। जब आप प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो प्रकाशीय अभिक्रिया में देखिए तीन चीजों को या तीन रिएक्शंस को आप कह सकते हैं या स्टेप्स को हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल अपघटन अथवा इसको आप कहते हैं जल का प्रकाशीय अपघटन, ये आप पढ़ते हैं एक प्रक्रिया, इसी को हम हिल रिएक्शन कहते हैं वास्तविक रूप में, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम प्रदान किया था, प्रतिपादित किया था कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे प्रकाशीय अपघटन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको प्रक्रिया को हम सामान्य रूप से हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाशीय अपघटन के लिए पौधों को वर्णक तंत्र की आवश्यकता होती है। तो फिर आप प्रकाशीय अभिक्रिया में पढ़ते हैं दो वर्णक तंत्र अथवा फोटोसिस्टम आप कह रहे हैं, दो प्रकार के वर्णक तंत्र आपके पास हैं, एक है प्रकाशीय अभिक्रिया का वर्णक तंत्र एक, या इसको हम सामान्य रूप से कह रहे हैं फोटोसिस्टम वन, और दूसरा आपका होता है फोटोसिस्टम टू, प्रकाशीय अभिकरण अभी प्रकाशीय वर्णक तंत्र एक वर्णक तंत्र दो, इसको सामान्य रूप से आप कहते हैं पीएस वन अथवा इसी को आप लिखते हैं P700, दूसरा आपका होता है PS2 या इसी को हम कहते हैं P680। क्यों इन्हें P700 और 680 कहते हैं ये हम सेपरेटली स्टडी करते हैं तब हम स्टडी करते हैं। और तीसरा आप याद रखिएगा, तीसरा आपका है प्रकाशीय अभिक्रिया का घटक। जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इन वर्णक तंत्र में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पाया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दौरान एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को हम सामान्यतः फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फीकरण कहते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया में आप याद रखिएगा जब प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है तब आप उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एटीपी संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जो आप पढ़ते हैं श्वसन में, जब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र श्वसन में पढ़ते हैं। तो दो वर्णक तंत्र के बाद आप यहाँ पर पढ़ते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन अथवा फोटोफॉस्फोराइलेशन आप कह रहे हैं,
शॉर्ट में इसको एक शब्द में याद रखिए, एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया। एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया फॉस्फोराइलेशन कहलाती है और फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया दो प्रकार से पूर्ण होती है, जिसमें आप पढ़ते हैं साइक्लिक अथवा चक्रीय फॉस्फोराइलेशन और दूसरा आप पढ़ते हैं अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर आज जो हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे वो ये करते हैं कि वर्णक तंत्र मुख्य रूप से क्या है, और जब आप वर्णक तंत्र पढ़ रहे हैं तो वर्णक तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है या किन किन वर्णकों से होता है। तो सामान्य भाषा में वर्णक तंत्र का अर्थ है वर्णकों का समूह अथवा पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स का समूह, और वर्णकों का ये समूह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब आप वर्णक तंत्र पढ़ते हैं तो वर्णक तंत्र में सबसे पहले तो देखिए वर्णक क्या होते हैं। वर्णक आप जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं तो वर्णक मुख्य रूप से याद रखिएगा, एक आपके मुख्य वर्णक या चीफ पिगमेंट आप कह रहे हैं तो एक मुख्य वर्णक है, और दूसरा आपके पास याद रखिएगा मुख्य वर्णकों के साथ दूसरे आपके साथ होते हैं सहायक वर्णक। जब मुख्य वर्णक आप पढ़ते हैं तो मुख्य वर्णक में याद रखिएगा क्लोरोफिल ए के जो अणु होते हैं, क्लोरोफिल ए के अणु मुख्य वर्णक का निर्माण करते हैं, जबकि सहायक वर्णकों में आप पढ़ते हैं क्लोरोफिल बी, और सेकंड आप पढ़ते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन लाल नारंगी रंग के वर्णक, जेंथोफिल पीले रंग के वर्णक। कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों आप याद रखिए, सामान्य रूप में आपको बुक्स में मिलेगा कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स का मीनिंग याद रखिए, कैरोटीनॉइड मींस कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ये दोनों वर्णक मिलके किस समूह का निर्माण करते हैं कैरोटीनॉइड्स का। कैरोटीनॉइड अगर आप पढ़ते हैं तो क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड्स दोनों ही आप याद रखिए मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्मित वर्णक होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रोटीन निर्मित वर्णकों में आप याद रखिए कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल होते हैं, जो कि मुख्य रूप से प्रकाश वर्णक तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अब आप याद रखिए मुख्य वर्णक का कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, और जो सहायक वर्णक होते हैं, सहायक वर्णक इस क्लोरोफिल ए के अणु को उच्च ऊर्जा के या प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उच्च रेडिएशन या हाई रेडिएशन और हाई वेवलेंथ की जो वेव्स रेडिएशंस होती हैं, हाई वेवलेंथ की रेडिएशन से इस क्लोरोफिल ए को सुरक्षा प्रदान करना, या क्लोरोफिल के आप कहते हैं प्रकाशीय ऑक्सीकरण को प्रोटेक्ट करने के लिए या बचाने के लिए सहायक वर्णक क्लोरोफिल ए को सहायता प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य सहायक वर्णक कहीं भी आपका प्रकाश को अवशोषित सीधे सीधे नहीं करते हैं, उनका मुख्य कार्य है कि मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए को प्रकाशीय ऑक्सीकरण से बचाना या फिर प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर जब आप वर्णक तंत्र पढ़ते हैं, वर्णकों के समूह को आप कह रहे हैं वर्णक तंत्र, वर्णक तंत्र जब आप पढ़ रहे हैं तो वर्णक तंत्र में आप याद रखिएगा वर्णक तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के अणुओं से मिलके बना होता है। एक इसका वर्णक तंत्र का एक अणु जो कि मुख्य वर्णक के द्वारा निर्मित होता है, इसको आप कहते हैं अभिक्रिया तंत्र। तो वर्णक तंत्र में एक है आपका अभिक्रिया तंत्र या रिएक्शन सेंटर आप कह रहे हैं, अभिक्रिया केंद्र सॉरी, रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, और दूसरा आप याद रखिए दूसरे इसको आप कह रहे हैं सहायक वर्णक या आप कहते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल। इसके लिए मैं इंग्लिश का ही वर्ड यूज कर रही हूँ, सो एंटीनी मॉलिक्यूल्स आप कहते हैं, जो कि सहायक वर्णकों से मिलके बने होते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा वर्णक तंत्र में एक और भाग आपको मिलेगा जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ग्राही। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही भी आपके वर्णक तंत्र के विशिष्ट लक्षण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्णक तंत्र का इलेक्ट्रॉन ग्राही एक विशिष्ट
कार्बनिक अणु होता है, तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। अब जब आप अभिक्रिया केंद्र पढ़ते हैं तो अभिक्रिया केंद्र आपके दो प्रकार के होते हैं। एक अभिक्रिया केंद्र है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, आप पढ़ते हैं एक अभिक्रिया केंद्र 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इस अभिक्रिया केंद्र को P700 कहते हैं। दूसरे प्रकार के अभिक्रिया तंत्र में 680 नैनोमीटर की लाइट का अवशोषण करने की क्षमता होती है, इसलिए इसको हम P680 कहते हैं। P700 की खोज सर्वप्रथम की गई है, इसलिए इसको आप कहते हैं PS1, और फिर P680 की खोज PS1 के बाद हुई है, इसलिए इसको आप कहते हैं PS2। तो PS1 और PS2 आप उनके खोज के आधार पे कह रहे हैं, पर PS1 का मुख्य लक्षण क्या है कि अभिक्रिया केंद्र में उपस्थित क्लोरोफिल ए अथवा मुख्य वर्णक की क्षमता 700 नैनोमीटर के लाइट या प्रकाश को अवशोषित करने की है, यहाँ पर इसकी क्षमता 680 नैनोमीटर के लाइट को अवशोषित करने की होती है। एंटीनी मॉलिक्यूल का मीनिंग होता है सहायक वर्णक। PS1 और PS2 के अनुसार सहायक वर्णकों में कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी के अणुओं का जो परसेंटेज रेशियो होता है वो भिन्न भिन्न पाया जा सकता है। और इसके बाद आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। PS1 का अपना एक अकेला अलग इलेक्ट्रॉन ग्राही है और PS2 का स्वयं का अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो जब आप प्रकाशीय वर्णक तंत्र की एक सामान्य संरचना पढ़ते हैं तो प्रकाशीय वर्णक तंत्र की सामान्य संरचना में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपका एक मुख्य अणु होता है जो क्लोरोफिल ए से निर्मित होता है, और इस अणु को हम कहते हैं अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर आप कह रहे हैं। ये P700 हो सकता है या फिर ये P680 होता है। इसके पश्चात ये अणु चारों तरफ से क्लोरोफिल के क्लोरोफिल बी तथा कैरोटीनॉइड के अणुओं से घिरा हुआ होता है, जो कि इसको प्रकाशीय ऑक्सीकरण से बचाते हैं, और ये अणु भिन्न भिन्न प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल ए 700 अथवा 680 वेवलेंथ की लाइट का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन्स को उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन्स को मुख्य रूप से हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को ये विमुक्त करते हैं। यहाँ पर आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन ग्राही उपस्थित होते हैं, और अब इस इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन अगर पुनः वापस अभिक्रिया केंद्र को आते हैं तो आप उस प्रकार के फॉस्फोराइलेशन को चक्रीय फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अभिक्रिया केंद्र किस प्रकार का है और इलेक्ट्रॉन का परिवहन किस प्रकार से होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्राही इन इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे पुनः वापस कहाँ पे कर रहा है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन पुनः आपका वापस कहाँ पर आ रहा है, अगर अभिक्रिया केंद्र में पुनः वापस आता है, और इसी दौरान अगर ये इलेक्ट्रॉन ATP का संश्लेषण करते हैं तब उस प्रक्रिया को आप कहते हैं चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। परंतु अगर यही इलेक्ट्रॉन एक बार अगर अभिक्रिया केंद्रक से विमुक्त हुआ, तत्पश्चात अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधे किसी अन्य अभिक्रिया तंत्र को जा रहा है परंतु वापस अपने स्वयं के अभिक्रिया केंद्र में प्रवेश नहीं करता है, तब आप उसको कहते हैं अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन। तो आज आप मुख्य रूप से इतना याद रखिए। नेक्स्ट सेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज वर्णक तंत्र को आपने समझ लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीधे सीधे पढ़ेंगे पहले दो प्रकार के वर्णक तंत्रों में मुख्य अंतर क्या है, PS1 एंड PS2, किस प्रकार PS1 और PS2 चक्रीय अथवा अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन से संबद्ध रखते हैं, और जब आप फोटोसिस्टम 2 पढ़ते हैं, क्योंकि जल अपघटन या जल का प्रकाशीय अपघटन आप हमेशा याद रखिए, जल का प्रकाशीय अपघटन मुख्य रूप से किसका लक्षण होता है, फोटोसिस्टम 2 का, या अभिक्रिया केंद्र P680 जो है ये मुख्य रूप से संबंधित होते हैं आपके जल के प्रकाशीय अपघटन से।
PS1 या जो वर्णक तंत्र एक है ये कभी भी जल के प्रकाशीय अपघटन से संबंध नहीं रखते हैं, तो ये पार्ट आज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में क्या क्या पढ़ना है ये बता दिया गया है, तो थोड़ा उसको एक बार रिवाइज करिएगा क्योंकि आप कंपटीशन के इससे प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब टॉपिक, तो वो पार्ट आप याद रखिए। स्टूडेंट्स जो नए आज से ज्वाइन हो रहे हैं, हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो, उनको रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहता है। एंड नेक्स्ट सेशन तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड वर्क हार्ड।